नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शैक्षिक प्रबंधन। अगेन शैक्षिक प्रबंधन का वीडियो है। पूरा टॉपिक जो है, दो टॉपिक हम इसमें लेंगे और दोनों को पूरा समअप करेंगे, इसलिए पूरा देखें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपके सामने लेंगे सबसे पहले राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SIERT, और उसके साथ ही हम लेंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो कि किताबों का वितरण करता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, ये दोनों संस्थान क्या काम करते हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, ये हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं SIERT की। SIERT की स्थापना जो है वो कैसे हुई, किस प्रकार से, यहाँ कहाँ पर है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं NCERT की। ये कहाँ से निकला हुआ है, SIERT NCERT से निकला हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं NCERT। NCERT का गठन हुआ था 1961 में, 1961 में, और KL श्रीमाली के प्रयासों से NCERT का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और NCERT के अंडर में ही जिस प्रकार से केंद्र में जो है वो NCERT संस्थान काम करती है, उसी प्रकार से राज्यों के लिए जो है वो एक प्रकार का संगठन बनाया गया, जिसे राजस्थान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कैसे आया, कैसे बना, कैसे इसका गठन हुआ। ये हुआ था मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, 11 नवंबर 1978 में हुआ था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 11 नवंबर 1978। कब, कहां पर हुआ था, उदयपुर में, इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। दोस्तों ये 2002 से SIERT 2002 से जो है वो प्रायुक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 से SIERT जो है वो आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अंडर में काम कर रहा है। इसके 9 विभाग है दोस्तों, ये आपको काउंटिंग ध्यान रखनी है, 9 विभाग है इसके। अब हम बात करते हैं कि इसके काम क्या है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, 1 से कक्षा 8वीं तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना। कक्षा 1 से जो 8 तक के जो सिलेबस है उसका निर्माण जो है वो SIERT करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नवाचार युक्त मतलब उसमें किसी प्रकार का नए नए प्रयोग करते रहना, सबसे मेन चीज है, नवाचार युक्त प्रयोग जो है वो SIERT करता है। उसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस बनाना, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो उसका ढांचा तैयार करना, उनको प्रशिक्षण देना, शिक्षण सामग्री का विकास करना, बच्चों के लिए और क्या शिक्षण सामग्री का विकास हो सकता है उसकी भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी जो निर्वाह है वो SIERT करता है। उसके बाद शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सबका जो विकास है वो भी SIERT करता है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि SIERT का जो वित्तीय प्रबंधन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जो भी इसका खर्चा है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप समझ करेंगे कि मेहरोत्रा समिति 11 नवंबर 1978 उदयपुर, इसके अधीन आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मेन वर्क नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1973 को हुई थी, पर इसने विधिवत रूप से काम करना शुरू किया था 1 जनवरी 1974। ये डेट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए आप, स्थापना पूछे तो 29 दिसंबर 1973, पर विधिवत रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया था, 1 जनवरी 1974। अब राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा मंत्री, कौन होता है, शिक्षा मंत्री, और ये जो किस और इसका अभिकरण जो है वो यह एक स्वायत्तशाही संस्था है जो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाली संस्था का नाम है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसके काम, इसके काम सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे पहला है कि यह 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करती है और वितरण करती है। उसके बाद NCERT की पुस्तकें, NCERT की पुस्तकों का जो मेल है राजस्थान में वो 8वीं कक्षा में 2011-12 से हुआ था। 2011-12 से 8वीं कक्षा में NCERT की किताबें लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पर वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के
तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी चुने हुए माध्यमिक वर्ग को फ्री में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। पर वर्तमान में क्या हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान प्लस रामसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को फ्री में पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है। कहां, कौन से वर्ग तक, उच्च प्राथमिक स्तर तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि साक्षरता के लिए भारत में अनेक प्रयास हुए, उन्हीं प्रयासों में एक महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी स्थापना की गई 1988 में, 1988 में। पर इसको जो है 31 मार्च 2009 को बंद कर दिया गया, 31 मार्च 2009 को बंद कर दिया गया, किसको, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को। और इसकी जगह पर लागू हुआ था साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू किया गया, किसकी जगह पर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर हुए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो जरूर देखें, औरों को भी दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।